जी, मैं मेंबर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का फंक्शनल की तरफ से खड़ा हूँ, और मेरे इलाके में वोट सही चल रहे थे, लेकिन बाद में हमें पता चला कि सारी धांधली हो रही है, जिसकी वजह से मैंने सब पोलिंगों का चक्कर लगाया। अपने पोलिंग पे हमारे लेडीज़ में बहुत धांधली हुई, उनके एजेंट जो थे वो बाहर बैठाए थे, अमला अंदर बैठा हुआ था। जो भी अमला आया हुआ था वो सारे पीपी की तरफ से था, और हमारे वोटर को नहीं छोड़ रहे थे। पहले जो भी पीपी के वोटर थे वो पहले कर लेते हैं उनको, जिसमें पुलिस का भी हाथ था। पुलिस वाले बाहर से आए थे, वो आगे लेके जाते थे उनको, उनको ये कहते थे कि भाई पीर पे ठप्पा लगाओ। तो फिर मैंने दूसरे पोलों का चक्कर विजिट किया, जिस पे सुबह मैं दोबारा गया अपने वर्करों से मिलने के लिए। तो वहाँ पे मैं चार चक में जब गया, तो वहाँ पे हमारे जो कैंडिडेट हैं मोहम्मद अकरम कौंसलर, उसने मुझे बलेट पेपर दिखाए, बोला ये देखो हमारे साथ जो ज़्यादती इन्होंने की है, वो जीता हुआ था हमारी तरफ से, सब गांव उसके पीछे थे। लेकिन बाद में जब रिज़ल्ट आया तो उसको हराया गया। जब हराया तो उसने मुझे बैलेट पेपर दिखाए, उस पे ठप्पे हमारे फूल पे लगे हुए थे, जो फूल पे ठप्पे लगे उन्होंने वो बैलेट पेपर बाहर फेंके हुए थे, जिसमें हमारे फूल वाले हैं, बाकी तीर का उसमें कोई भी नहीं है। और वो ये हम दिखा रहे हैं एक एक करके, जो टुकड़ों में थे वो तो हमने उठाए नहीं हैं, बाकी जो साबित हमें उन्होंने दिए हैं वो ये हैं। इसके सिवा उनके पास अगर एक भी बैलेट पेपर कम होता है तो वो रिज़ल्ट बनाते भी नहीं हैं। तो ये उन्होंने कैसे रिज़ल्ट बनाया कि ये बैलेट पेपर बाहर फेंक के उन्होंने इसके बगैर ये रिज़ल्ट बनाया। ये सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन के कौंसलर के सारे ये बाहर फेंके हुए हैं। ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ कि ये धांधली देखें आप, ये पूरी अपनी क़यादत से अपने हुकूमत से ये गुजारिश करूँगा कि ये इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे फिर उन्होंने पुलिस आके अंदर बैठी है, उन्होंने दरवाज़े बंद करके ठप्पे लगवाने शुरू किए, और वहाँ पे किसी को नहीं छोड़ा। हमारे एजेंट जो भी थे उन सबको बाहर निकाला, खुद दरवाजे बंद करके अंदर ठप्पे लगवा रहे थे। तो इसीलिए हम ये एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, और ये बैलेट क्यों बाहर फेंके गए, तो इस पे हमारा एहतजाज है, और ये हम हुकूमत से इल्तिजा करते हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ना जी, अपना नाम, उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट के लिए मेंबर हूँ, और हमारे साथ चेयरमैन है मलक शौकत, हमारे चार चक्के कौंसलर मोहम्मद अकरम है। नंबर क्या था? नंबर यूसी का नंबर तो हमें याद नहीं है। अच्छा, वार्ड नंबर 4 है वो। हाँ, वार्ड नंबर 2 जी। जो है चार चक वाले एजेंट वो भी मेरे साथ बैठा हुआ है, आप उसकी भी जुबानी सुन ले जी। नहीं, हम चार चक से 4 बजे तक पोलिंग बिल्कुल ठीक चल रही थी। 4 बजे जो है पुलिस का हमला आया है, हमारे एजेंटों को बाहर निकाल दिया उन्होंने, पोलिंग बंद की है अपने हाथों से उन्होंने, ठप्पे लगाए तीर पे। हम बाहर बैठे हैं अभी, हम क्या करें, वहाँ पे चार पाँच मोबाइलें पुलिस की खड़ी हुई, बाहर की पुलिस है, इधर की पुलिस भी नहीं। तो जब सुबह हम निकले हैं बाहर, हमें पता भी नहीं, रिजल्ट सुना हमने तो हमने बोला ये क्या हुआ, सीधी सीधी धांधली, ठप्पे लगे हैं, 400 की लीड लगी है, जहाँ पे हमने लेनी थी वो उल्टा काम किया है उन्होंने, हमारे एजेंटों को बाहर निकाल दिया। सुबह आए तो बच्चे ये लेके घूम रहे थे वहाँ पे, फूल पे ठप्पे लगे हुए हैं, कुछ उन्होंने 100-150 फाड़ के बाहर फेंके हुए हैं, कुछ ये हमें मिले, ये हम लेके आए। तो हम यही अपील करते हैं कि हमें इंसाफ मिले और इस पे दोबारा जो गौर किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस फोरम को, मीडिया के फोरम को इस्तेमाल करते हुए कुछ हकायक बल्दियाती इलेक्शन 2016 के आपको गोश गुजार करना चाहता हूं, जिसमें जिस तरह से प्री पोल रिगिंग की गई शुरू से लेकर आखिर तक,
हम लोगों ने पहले भी इलेक्शन देखी हैं, लड़ी हैं, और इस मर्तबा भी अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन में जाकर हम जीत कर आए हैं। मैं वार्ड नंबर 10 म्युनिसिपल कमेटी सांगड़ के वार्ड से इलेक्ट होकर आया हूं। तो उस सिलसिले में मुझे ये बखूबी अंदाज़ा है कि अवाम में हमारी मुखालिफ पार्टी की क्या पज़ीराई थी और उसको किस तरह से लोगों ने रिजेक्ट किया है। शुरू से आखिर से मैं आपको बताता चलूं कि इन लोगों ने पहले तो अपने अफसरान प्रिजाइडिंग ऑफिसर की सूरत में और एपीओ की सूरत में लगाए थे। जो पूरा अमला था उनका पूरा मुकम्मल तौर पर उनके कंट्रोल में था। किसी को धमकाया गया, किसी को ट्रांसफ़र पोस्टिंग की धमकियां दी गई, कोई बेचारा स्कूल टीचर था, कोई असिस्टेंट मुख्तियार कार था, कोई किसी भी तरह से वो वाबस्ता था गवर्नमेंट सर्वेंट के। तो विदाउट जुडिशरी जो इलेक्शन हुई थी उस पे हमें खदशा तो पहले से भी थे, लेकिन उनकी जो वो पुख्तगी तब साबित होना शुरू हो गई जिस तरह से टीआरओ और उनके हवारियों ने इस शहर पे, इस डिस्ट्रिक्ट पर कब्ज़ा करने की कोशिश की और उन लोगों को साथ देने की कोशिश की और साथ दिया, कोशिश में नहीं कहूँगा कि लेकिन साथ दिया उन लोगों ने कि उस एक ख़ानदान की जागीर बनाने के लिए इस डिस्ट्रिक्ट को। अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट सांगड़ को लेकर जहाँ पर उन लोगों ने सेंसिटिव डिक्लेयर की थी, जहाँ पर पाक आर्मी और रेंजर्स डिप्लाइड थी, वहाँ पर तो इनको मौका नहीं मिल सका, लेकिन जहाँ आउट ऑफ सिटी जो एरियाज थे हमारे सांगड़ के, खुसूसन तहसील सांगड़ के, तो उसमें उन्होंने बिल्कुल उन SHOs और उन DSPs और उन पुलिस अफसरान के थ्रू वो कुछ रिगिंग करवाई, जो हमने वहाँ सर वहाँ से उन दोस्तों ने हमारे जो मेरे साथ बैठे हुए हैं उन्होंने हमें आ जाकर इस सूरत में दिखाई है, जो मैं आप मीडिया को ये दिखाना चाहता हूँ कि फूल के निशान का मोहम्मद अकरम है, इसका ये बेल्ट पेपर ओरिजिनल है कि वार्ड नंबर 2 UC खडवारी, यूनियन कौंसिल 4 खडवारी के, ये मोहम्मद अकरम खान है। इनका बेल्ट पेपर भी है जहाँ पर ये फूल का निशान है, तो उस पे आपके प्रिजाइडिंग अफसर और APO की सिग्नेचर और स्टैम्प भी है वहाँ पे। तो इसका मतलब है कि ये इन लोगों ने पहले ही जो प्लान बनाया हुआ था अपने अफसरान के थ्रू, वो उस पे अमल करके सिर्फ रिजल्टे बनाकर, वो तो उनके बस में था मुख्तियार का बेचारा क्या करता, यहाँ के एक अफसर क्या करता, उनको वो तो रिज़ल्ट देकर जान छुड़ाने के चक्कर में था। यहाँ पर तो लोगों को धमकियाँ दी गई, हमारे कौंसलर साहिबान जो मेम्बरान थे उनसे उनको हॉस्टेज किया गया, उनको पोलिंग एजेंट्स को बैठने तक नहीं दिया गया, उनके मोबाइल फ़ोन छीन लिए गए और हमारे जो कैंडिडेट थे उनको गिरफ्तार करके उन FIRों में नामिनेट किया गया, उनको थ्रेड किए गए। कुछ लोगों के बिरादरियाँ थी सांगड़ में, वो शहर के हालात पैदा किए गए जिसमें उन लोगों ने उन बिरादरियों के जो नोटेबल पर्सन थे, मोतबरीन थे, उनके नाम धमकाने शुरू कर दिए कि आपके हम नाम डाल देंगे भाई, और आप इनके झंडे उतार दो, आप इनके पेना फ्लैक्स उतार दो। ये इस तरह की हरकतें की गई। मेरे ख़्याल में तो ये जमहूरियत का हुसन नहीं है कि जमहूरियत में ऐसा कुछ होता है, लेकिन ये तरीक़ेकार नहीं होता है इलेक्शन का या कि कोई सियासत में। सियासत में एक दिन की इलेक्शन होती है, उसके बाद हम सब एक भाई होते हैं। ये रोल मॉडल होना चाहिए इलेक्शन एक दूसरे के लिए, ना कि एक दूसरे के खून खराबे के लिए या कि ऐसे बीज बोने के लिए जो आगे जाकर हम कौम नेशन को जाकर दो हिस्सों में तकसीम करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम पीर साहब के फॉलोअर्स हैं और उस पार्टी से हम बिलोंग्स रखते हैं जिन के बड़ों ने यहाँ के सरजमीन को आबाद और खुश रखने के लिए जदोजहद में हमारे बड़ों ने, यहाँ पर ख़ानदान ने और हमारे पूरी हुर जमायत और कॉलोनी के जो भी
दोस्त हैं हमारे बैठे हुए जो अमन पसंद हैं, उन लोगों ने जमायत का फंक्शनली का भरपूर साथ दिया है। उसमें हमें अवाम पे बिल्कुल एतमाद है, उन लोगों के साथ हम आज भी खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला हम भी उनसे यही उम्मीद रखते हैं कि वो भी हमारे साथ खड़े रहेंगे। इसलिए न कि उनको कुछ मिलेगा, आज मज़ा तब है कि वो हमारे साथ न मिलने के बावजूद भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। इस बात में हमारी पार्टी में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वो जान है और मैं देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये पार्टी कायम और दायम रहेगी जिस तरह ये सरजमीन पाकिस्तान जब तक रहेगी। और इंशाल्लाह ताला मैं जनरल राहिल शरीफ से और डीजी रेंजर से मुतालबा करता हूँ कि इन पोलिंग से जो बरामद किए गए जो पेपर्स हैं उनकी इंक्वायरी की जाए ताकि जो जमहूरियत का हुसन है और जो इनकी दोगला पॉलिसी है पीपल्स पार्टी की, जिस तरह से वो कब्ज़ा करना चाहते हैं इस मुल्क के सरजमीन के सांगड़ सिंध को और खुसूसन डिस्ट्रिक्ट सांगड़ को, तो उसके लिए मैं ये इस फोरम को इस्तेमाल करते हुए मैं जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से यही तवक्को रखूँगा कि वो इंशाल्लाह ताला इसके लिए इंक्वायरी कमीशन बिठाएंगे, ट्रिब्यूनल बिठाएंगे और हमें इंसाफ फराहम करने की कोशिश में भरपूर किरदार अदा करेंगे। ये लोग मुल्क के दुश्मन हैं, पीपल्स पार्टी मुल्क की दुश्मन है, यहाँ की लोगों की दुश्मन है, उसकी पॉलिसियाँ जो भी बनी हैं वो सब पॉलिसियाँ जो है उनकी मुल्क दुश्मन है, न कि अवाम दुश्मन। उन लोगों ने मुझे ये बताओ कि 8 सालों में दिया क्या है लोगों को, सांगड़ के लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। मैं इस फोरम से आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जिस हलके से खड़ा हुआ हूँ वो हलका मेरी बिरादरी का नहीं है। उस हलके में 1500 लोग रहते हैं, उस 1500 कौमों में 1550 कौमें हैं, उन लोगों का मैं इलेक्टेड मेंबर हूं। ओवरऑल हम लोग जीते हैं सांगड़ सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह, पीर साहब पगाड़ा का, हमारी जमायत का, फंक्शनल मुस्लिम लीग का चेयरमैन नामजद होगा जो अवाम की खिदमत करेगा और इंशाल्लाह ताला कारकुनों को और तंजीम को साथ लेकर चलेगा इंशाल्लाह ताला। मैं इस फोरम को इस्तेमाल करते हुए डीजी रेंजर से ये मुतालबा रखता हूँ कि इस पोलिंग के जो हमारे पास बैलेट पेपर लाए गए हैं उसकी इंक्वायरी की जाए ताकि वोटरों को अपना इंसाफ मिल सके और वो अपने सही नुमाइंदे मुंतखब करके अपना राइट ऑफ वोट्स जो है वो सही तरह से एक्सरसाइज कर सकें। मेहरबानी, थैंक यू। तीन जगह खास नुमाइंदा और वर्कर और इसको प्रिजाइडिंग बिठाया हुआ है, ऊपर भी दिखा हुआ सारा दिखा दो, फिर दिखा। एक